नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता व्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी का भुजिया, जो नॉर्मल बनता है। तो ये तो बहुत लोगों को बनाने आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ इसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बनाना नहीं आता है, तो लोग पढ़ने कहीं चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। साधारण सी बनाऊँगी ताकि ज़्यादा ताम झाम ना हो और आसानी से बना सकें। जो बाहर स्टूडेंट सब रहते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है कि कैसे बनाए खाना और क्या क्या डालें उसमें। तो बिल्कुल सिंपल सा बनाऊंगी ताकि बना करके आराम से बाहर रह करके बच्चे आराम से खा सकें। तो देखिए, मैंने लिया है इस तरह से भिंडी, आधा केजी भिंडी है ये। तो इसका मैं ऊपर नीचे जो ये होता है इसको इस तरह से काट दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं काट दूँगी इसको, और सभी भिंडी को इसी तरह से काट लेंगे। और जब भिंडी ले तो बिल्कुल सॉफ्ट वाली ले, बहुत हार्ड वाली भिंडी रहती है उसका अच्छा नहीं बनता है, बिल्कुल बीज ज्वाया सा होता है उसमें, कड़ा हो जाता है, तो वो ना ले। भिंडी बिल्कुल कोमल कोमल सा लेना चाहिए, और इस तरह से देखिए इजली कट जाएगा, अच्छा सा रहेगा तो बिल्कुल इजली कट जाएगा। ये देखिए, मैंने सारे भिंडी को इस तरह से काट लिया है दोनों साइड से। मैंने काटने से पहले इसको अच्छी तरह से दो तीन पानी से धो लिया था, इसे अच्छे से धोना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी इसमें गंदगी चिपका रहता है। तो अब मैं इसे काट लूँगी। ये देखिए, मैं भुजिया काट लूँगी इस तरह से, गोल गोल से काट लेंगे इस तरह से, छोटे छोटे पीस में इस तरह से। देखिए, इतने मोटे मोटे से काट लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी इसके पीस कर सकते हैं। इस तरह से काटेंगे तो जल्दी पक जाता है और बनाने में आसानी होती है। तो जो स्टूडेंट सब होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, उनके पास टाइम की कमी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई करनी होती है। तो देखिए, इस तरह से आप तो देख कर समझ गए होंगे कि कैसे काटना है। इस तरह से सारी भिंडी को काट लेंगे। आप एक तरह से समझ लीजिए करीब करीब हाफ इंच का पीस करेंगे इस तरह से, तो समझना ज़्यादा अच्छा होगा आपको। और उसी तरह से सारे काट लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे भिंडी काट लिए हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए, प्याज के पीछे का भाग इस तरह से निकाल देंगे, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये देखिए, अब इसको धो करके बारीक बारीक काट लेंगे पतले पतले। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई रखा है, इसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। ये देखिए, यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, मैं यहाँ पे जीरा डालूंगी आधी चम्मच। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अच्छे से अलग पलट करके चला देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है अभी मैंने जब भिंडी डाला है थोड़ा हाई पे रखा है, क्योंकि यदि लो पे रखेंगे तो इसमें लसलसापन ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए। ये देखिए, अब लसलसापन कम हो गया है, इसको ख़त्म हो गया है। अब मैंने लो मीडियम पे रखा है इसको, और बिना ढके बना रही, ढकने से इसमें लसलसापन बढ़ जाता है, इसे इसको ढकिएगा नहीं। और यहाँ पर मैंने दो तीन मिर्ची डाला है, चीरा लगा करके, बीच में चीरा लगा हुआ है, ये देखिए। तो आप जितना तीखा खाते हो उसके अनुसार से डालिएगा मिर्ची। ये देखिए, हमारे भिंडी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, थोड़ा ब्राउन होने लग गया है।
अब यहाँ पर जो मैंने प्याज काट के रखा था लंबा लंबा सा, ये डाल दूंगी। दो प्याज मैंने काटा था। यहाँ पर देखिए मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। और ये हल्दी है। करीब करीब आधी चम्मच, इसे थोड़ी सी कम हल्दी डाला है मैंने। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मैंने गैस को लो मीडियम पे रखा है। प्याज भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हाई मीडियम कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि प्याज में बहुत सारा पानी होता है। थोड़ी देर के लिए बढ़ा दूंगी। ये देखिए 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है। ये डाल दूंगी और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से। देखिए हमारा प्याज भी ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। ये देखिए हमारी भिंडी अब लगभग तैयार होने वाली है। प्याज भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा और ब्राउन हो जाए प्याज, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने अभी तक हाई मीडियम पर ही रखा था इसको। अब गैस को बंद कर देते हैं, बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल बंद करके तैयार हो गया है। मैं अभी इसको कर देती हूँ प्लेटिंग भिंडी के भुजिए को। ये भिंडी का भुजिया आप पूड़ी पराठे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। दाल चावल के साथ ही भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और पूड़ी पराठे या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे बच्चों को तो भिंडी का भुजिया बहुत ही पसंद है, वो अक्सर हाँ बनवाते रहते हैं भिंडी का भुजिया। ये देखिए बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल लसलसापन नहीं है। बहुत लोग हैं जो भिंडी लसलसापन की वजह से नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें कोई लसलसापन नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप पूड़ी पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।